उमरगाम रेलवे फाटक नंबर 66 जे आश्रे 2.5 वर्षथी बंद छे, आवामां लोको पोताना जीव जोखममां रेलवे फाटक क्रॉस करता होय छे। रेलवे डिपार्टमेंटने कोई पण डायवर्जन आप्युं नथी। एवामां गया महीने तारीख 14/2021 ना रोज राजन झोन रात्रे 9 वागे ट्रेन अड़फेटमां तेमनुं मृत्यु थयुं हतुं અને તેમની બે દીકરીઓ છે। નાની દીકરી કુવારી છે જેના લગ્ન અને જીવન નિર્વાહ માટે અને રાજન જોને લીધેલ બ્રેક બેંક લોન પણ હજી બાકી હોય અને તેમને ન્યાય અપાવવા માટે ઉમરગામના રેલવે ફાટક નંબર 66 પરથી ફરી શરત કરાવવા જેવીથી મેડિકલ ઇમરજન્સીમાં એમ્બ્યુલન્સ અવર જવર તકલીફ ન થાય અને આજુબાજુના લોકોના વિસ્તારમાં લોકોને હાલાકી ન ભોગવવી પડે તે હેતુસર અને નૈના જોને ન્યાય મળે એ હેતુસર આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું। रेलवे का अत्याचार, रेलवे का अत्याचार, रेलवे का अत्याचार, नैना जोन को न्याय दो, नैना जोन को न्याय दो, उमरगाम रेलवे फाटक खोल दो, नैना जोन को न्याय दो, रेलवे का अत्याचार बंद करो, रेलवे का अत्याचार नैना जोन को न्याय दो, नैना जोन को न्याय दो। आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था जो है जो सोलसुम्बा में कार्यरत है उमरगाँव में, आज हम यहाँ पे आए हैं उमरगाम रेलवे स्टेशन पे। ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर को संबोधित के हमने यहाँ पे एक लेटर दिया है, आवेदन पत्र। उमरगाम रेलवे फाटक नंबर 66 जो कि एक साल के लिए बंद किया गया था, आज 2.5 साल के ऊपर हो गया, फिर भी ये फाटक आज भी बंद है। ये फाटक बंद होने की वजह से आदमी अपनी रिक्शा पे रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं और काफ़ी लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई है। और गए महीने 14 तारीख को नैना जॉन के पति जो रात को ट्रैक क्रॉस कर रहे थे उनकी मृत्यु हो गई थी। हम चाहते हैं कि उसके परिवार को न्याय मिले, उनके जो उनकी लोन बाकी है बैंक की और प्लस उनकी जो बच्ची है, दो बच्चियां हैं, एक की शादी हो गई है, एक की शादी करनी बाकी है, तो हम चाहते हैं कि रेलवे उन्हें कंपनसेशन दे और उनकी लड़की को रेलवे के अंदर जॉब मिलनी चाहिए। और दूसरी बात के ये जो रेलवे फाटक है संजान और घोलवर रेलवे स्टेशन पे जो रेलवे फाटक है इन्होंने शिफ्ट किया है, तो उमरगाम का रेलवे फाटक शिफ्ट क्यों नहीं कर सकते? इन्हों को शिफ्ट करना ही था और रेलवे ने कायदे का पालन नहीं किया है कि जब कोई भी काम चालू होता है तो उनको डाइवर्जन देना था, लेकिन डाइवर्जन दिया नहीं और रेलवे फाटक डायरेक्टली बंद कर दिया। 2.5 साल से उमरगाम की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, गुड्स ट्रेन आती है, एक एक दो दो घंटे गुड्स ट्रेन खड़ी रहती हैं, बच्चे हैं, लेडीज़ लोग हैं गुड्स ट्रेन के नीचे से पास होने को मजबूर है। इन्होंने सब्स्टिट्यूट दिया है LC नंबर 67 जो कि 7 किलोमीटर का चक्कर होता है, तो आज एक गरीब आदमी का रोज का जहाँ पे 20 रुपये का पेट्रोल जा रहा था वहाँ पे आज 100-120 रुपये का पेट्रोल जा रहा है, तो आदमी पैसा कहाँ से लाएगा? और दूसरी बात के उमरगाँव की जो जनता है के लिए हम लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं, इस प्रयत्न में हम चाहते हैं कि रेलवे प्रशासन फाटक खोल दे। और दूसरा के सोलसुम्बा ग्राम पंचायत, धाड़ ग्राम पंचायत, उमरगाम नगर पालिका और इंडस्ट्रियल UIA, उमरगाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, इन सभी को कुछ ना कुछ करना चाहिए जो इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं है उमरगाम रेलवे फाटक खुलाने के लिए। और हम चाहते हैं कि सब लोग उमरगाम की जनता मिल के यहाँ पे इस चीज़ को करे, रेलवे प्रशासन हमारी बात सुने और रेलवे फाटक जल्द से जल्द खोल देवे ताकि हम यहाँ पे शांति से आ जा सके, कोई अकस्मात का भय ना हो। और दूसरी बात, इन लोगों का बोलना ऐसा है कि हम FOB दे रहे हैं, एक FOB चालू हो गया है, एक FOB ये लोग बना रहे हैं, तो मैं रेलवे प्रशासन से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि FOB पे से क्या एम्बुलेंस जा सकती है? मेडिकल इमरजेंसी में आदमी कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा? और एक आदमी को आप उठा के टोक के FOB पे से पार कैसे करा सकते हो? तो रेलवे प्रशासन यहाँ पे जो भी कर रहा है एकदम गलत है। मैं रेलवे प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द उमरगाम रेलवे फाटक 66 नंबर को खोल दिया जाए, आप पास में शिफ्ट करिए। और रेलवे प्रशासन हमेशा खोखो खेल रहा है, वो बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जाने, फिर बोलते हैं कि DFC वाले जाने, तो ये सब चीज़ें गलत है।